तो भाई मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आया हूँ सन्नी कार एक्सेसरीज की तरफ से, और आज हमारे पास आई हुई है ऑल न्यू ब्रेजा 2022। और ये गाइस हमारा बेस मॉडल रहने वाला है, तो एक मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या करके दिया है अभी तक और हम इसमें क्या क्या अभी करने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे गाड़ी यहाँ पे खुली हुई है, तो इसमें काफ़ी सारा काम अभी रहता है और काफ़ी सारा काम जो है वो अभी हो रहा है एट द मोमेंट। तो बात कर लेता हूँ अगर मैं फ्रंट से ही, तो यहाँ पे संजीव यहाँ पे फॉग लाइट्स की फिटिंग कर रहा है। तो इसमें गाइस हम मिंडा की फॉग लैंप्स लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा ये जो पहले जो सेटअप होता है ना, ये पूरा कवर्ड होता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे फॉग लैंप्स की इंस्टॉलेशन जारी है, जो कि हमारी मिंडा की फॉग लैंप्स रहने वाली है गाइस जेन्युइन। अगर मैं आपको बॉक्स दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का बॉक्स यहाँ पे हमें मिंडा के फॉग लैंप्स का देखने को मिल जाता है। और पहले का अगर मैं सेटअप दिखाऊँ तो कुछ ऐसा यहाँ पे हमें दिया जाता है, कुछ ऐसे ये कवर्ड होता है अंदर की तरफ से। और अभी इसका जो लुक रहने वाला है कुछ ऐसा रहने वाला है, फुल हैलोजन टाइप में ये लाइट्स हमारी रहने वाली है, रिफ्लेक्टर बेस लाइट रहने वाली है आप देख सकते हैं। और इसके साथ हम प्रॉपर मिंडा की वायरिंग भी करने वाले हैं, जो कि हमारी फॉग लाइट की रिले रहने वाली है। तो यहाँ पे सामने जो फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है अभी, तो इस कवर को रख देते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको साइड में थोड़ा लेके चलता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ साइड बिडिंग्स की और रेन वाइजर्स की, तो यहाँ पे हमें प्री इंस्टॉल्ड मिले थे। तो लेके जाता हूँ अभी आपको अंदर, तो अंदर भी दिखा देता हूँ आपको सारा नज़ारा। कुछ ऐसा हमारा रहने वाला है, साइड पैनल्स जो हमारे रहने वाले हैं सारे निकाल लिए गए हैं, फ्रेम भी जो रहने वाला है सारा निकाल लिया गया है। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें ऑलरेडी फिट होकर मिलती है, तो उसको हमने निकाल लिया है। कुछ भी इसमें नहीं दिया जाता, हमें कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और स्पीकर्स की जगह हमें कुछ ये देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा ये पेपर से कवर किया हुआ है। तो इसको भी हम हटा के अभी स्पीकर्स लगाने वाले हैं। बात करूँ अगर मैं स्टेयरिंग की, तो आप देख सकते हो ये हमारा टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग कवर रहने वाला है, पूरा जो हमारा रहने वाला है यहाँ पे पूरी हमारी लेदर फिनिश के साथ ही हमें देखने को मिल जाता है। और ये गाइस हमारा जेन्युइन रहने वाला है हमारा, देख सकते हैं आप इसकी मार्किंग भी देख सकते हैं इसमें। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारा जो कंट्रोल रहने वाला है ये सारा वर्किंग रहने वाला है, और जो क्रूज़ कंट्रोल रहने वाला है हमारा नॉन वर्किंग रहने वाला है। अगर बात करूँ कि पहले इसकी जगह क्या था, तो इसकी जगह पहले हमें कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाता था, बिल्कुल प्लेन सा, कुछ नहीं है इसमें। देख सकते हैं आप गाइस एक ही फ्रेम में आपको दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो इसमें कोई ना बटन हमें देखने को मिलता है और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, और ये भी हमारा पूरा प्लेन रहने वाला है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें सिल्वर फिनिश में ये देखने को मिल जाता है सारे बटन्स के साथ, जो कि हमारा फुली वर्किंग रहने वाला है हमारे एंड्रॉयड के साथ, जो कि अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। रियर में हम लगाने वाले हैं रियर कैमरा, जो कि हमारा मूविंग कैमरा रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पीछे वाली सीट्स भी निकाल के बाहर रख ली है। कुछ इस तरह का सिस्टम हमें यहाँ पे आगे डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं दिया जाता है सिस्टम के तौर पे। तो इसमें हम लगाने वाले हैं एंड्रॉयड, वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि कैसा रहने वाला है। और सीट कवर्स भी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सारा ही काम होने वाला है, अभी काम जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो जब काम जैसे जैसे होता है मैं आपको दिखाता चलूँगा साथ साथ में। इसमें काफ़ी सारी जेन्युइन चीज़ें लगाने वाले हैं हम, जैसे कि हमारा यहाँ पे जेन्युइन आर्मरेस्ट हो गया, जेन्युइन स्टीयरिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया, और इसमें हम आगे कंपोनेंट स्पीकर्स और पीछे हम नॉर्मल कोएक्सियल स्पीकर्स भी इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डोर के पास यहाँ पे हमें स्कफ प्लेट देखने को मिल जाती है हमारी लाइट वाली, जिसमें हम देख सकते हैं वाइट कलर में यहाँ पे लाइट जलती हुई दिख जाती है हमें ब्रेजा। ये भी हम आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं, जो कि हमारा जेन्युइन रहने वाला है नेक्सा का ही। तो अभी तक के लिए इतना काम है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको धीरे धीरे सारा काम दिखा देता हूँ कि कैसे होने वाला है। तो भाई रियर सीट्स पे हम एक और चीज़ करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है बेस मॉडल में, देख सकते हैं आप। और टॉप मॉडल में हमें यहाँ पे भी एक हेडरेस्ट और उस साइड भी एक हेडरेस्ट हमें देखने को मिल जाता है, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम नेक्सा के जेन्युइन हेडरेस्ट जो हमारे रहने वाले हैं वो लगवाने वाले हैं, और उसके ऊपर से हम सीट कवर्स को चढ़ा देंगे। तो आपको एक मैं फाइनल लुक दिखा दूंगा एक बार लगने के बाद कि कैसा हमारा रहने वाला है ये सिस्टम। फिर अगर गाइस मैं फॉग लाइट की वायरिंग की, तो कुछ इस तरह की हमारी ये वायरिंग रहने वाली है। ये गाइस हमारी प्रॉपर मिंडा की वायरिंग रहने वाली है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। ये हमारी रिले वायरिंग रहने वाली है, जो हम फॉग लाइट्स के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। हमारे मिंडा के ये फॉग लाइट्स रहने वाले आप देख सकते हैं, और संजीव जो रहने वाला है ये हमारी फिटिंग करेगा। तो भाई एक बात, जैसे तुम अभी फिट कर रहे हो इसको, सारा सिस्टम जो है तुम ही फिट करने वाले हो अंदर भी और बाहर भी, तो इसमें कोई वायर कटिंग का तो सीन नहीं है ऐसा कुछ? कोई वायर कटिंग नहीं होगा, पूरा प्रॉपर टू कपलर होगा। हाँ जी, तो देख सकते हैं आप पूरा प्रॉपर कपलर टू कपलर यहाँ पे काम होने वाला है। और कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें सिस्टम सारा देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा अटैच हो जाएगा इस कार के अंदर। तो जब एक बार अटैच हो जाता है तो मैं आपको उसका भी दिखा दूंगा कि कैसा लुक रहने वाला है हमारी कार का। ब्रेजा का सारा काम अभी प्रोसेस में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे साइड पैनल्स रखे हुए हैं, और तो लेके चलता हूँ आपको शॉप के अंदर। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में, जो कि हमारा जेन्युइन बॉक्स रहने वाला है, इस बॉक्स में हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल आया था जो मैंने आपको दिखाया था। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर पैकिंग के अंदर आता है, और मिंडा की जो वायरिंग किट रहने वाली है हमारी, या फिर फॉग लैंप रिले कह सकते हैं, तो कुछ इस तरह की ये हमारी किट रहती है। तो ये भी हम फॉग लाइट्स के साथ ही लगाते हैं। बात करो अगर फॉग लाइट्स की, तो मैंने आपको दिखाई दिया कुछ इस तरह के यूनो मिंडा के फॉग लैंप्स हमने इसमें इंस्टॉल करे हैं।
और बात करूँ अगर मैं स्पीकर्स की, तो कुछ इस तरह के स्पीकर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं इसके अंदर, जो कि हमारा इन्फिनिटी अल्फा के ये कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। कंपोनेंट्स में हमें दो स्पीकर, दो ट्विटर और दो क्रॉसओवर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। क्रॉसओवर अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊं, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा रहने वाला है, ऐसा कुछ क्रॉसओवर हमें देखने को मिल जाता है। और बात करो अगर पीछे वाले डोर्स की, तो पीछे वाले डोर्स में हम लगाने वाले हैं नॉर्मल कोएक्सियल स्पीकर्स, जो कि ये हमारा रहने वाला है, जिसके साथ हमें दो स्पीकर्स और दो ट्विटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारा इनबिल्ट रहने वाला है कुछ इस तरह से। तो इसकी भी जब फिटमेंट हो जाएगी गाइस, तो मैं आपको दिखा दूंगा कुछ इस तरह की। यहाँ पे हमें इसकी वारंटी कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है सीरियल नंबर के साथ, और वन ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। गाइज फिलहाल यहाँ पे हो रही है हमारे जो स्पीकर्स है रियर डोर्स की, उसकी फिटिंग। तो गाइज संजीव हमें बताएगा कि इसकी फिटिंग कैसे की गई है, कहीं कोई वायरिंग कट तो नहीं हुई है या कुछ, तो कैसे वो रहने वाली है इसकी फिटिंग, तो ये संजीव हमें बताएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे भैया जी, आपको कपलर टू कपलर, इसमें कपलर जाएगा सीधा, फंस गया आप कपलर, इसको हम डाल के सीधा पैक कर देंगे, इसमें नो कटिंग वायर। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे फिटिंग हमें देखने को मिल जाती है, बिल्कुल कपलर टू कपलर। जो व्हाइट वाला जो कपलर होता है वो हमें कंपनी से ऑलरेडी गिवन होता है ये वाला, और ये वाला हमारा कपलर होता है जिसमें जो थिम्बल होते हैं, थिम्बल के थ्रू ये स्पीकर से कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में ये कपलर आता है हमारा, और ये विदाउट एनी कटिंग या विदाउट कोई वायर के छेड़छाड़ के ये हमारा पूरा फिट हो जाता है, और इसके ऊपर से बस स्क्रू लगाएंगे और हमारा स्पीकर रेडी टू गो होगा। पिछले डोर्स में तो मैंने आपको दिखा दिया कि स्पीकर की इंस्टॉलमेंट कैसी होगी। आगे हम लगा रहे हैं कंपोनेंट, जिसके साथ हमें दो क्रॉसओवर, दो ट्विटर और दो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से रहने वाले हैं हमारे इन्फिनिटी अल्फा के। तो संजीव हमें ये भी बताएगा कि इसकी फिटिंग किस प्रकार होने वाली है अभी। भैया ये मैं बता दूं कि कपलर टू कपलर हो चुका है, जैसे कि पीछे भी हम बता ही रखे हैं, वैसे ही पूरा भी मेरा ये है। अब कंपनी में हम अटैच कर देंगे इसको, तो ये कंपनी वाले कपलर में अटैच हो गया हमारा कपलर, और इसको हम डैम्पिंग से चिपका देंगे पीछे की तरफ। हाँ जी, और एक हम ट्विटर के लिए छोड़ देंगे ऊपर, ट्विटर हमारा यहाँ रहने वाला है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा वायरिंग ये जो भी हो रखी है तो हमारे कपलर से होगी ना। हाँ जी, हाँ, कंपनी वाले की वायरिंग में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है इसमें। छेड़छाड़, हाँ, तो कुछ इस तरह का है जहाँ पे काम रहने वाला है। और स्पीकर के लिए ये हमारा ये हो गया, ये इसमें स्पीकर अटैच करके हम फिर वैसे ही पैक कर देंगे इसको भी। अच्छा, तो अंदर जो हमारा ये क्रॉसओवर रहने वाला है, कभी हिलेगा डुलेगा तो नहीं, या फिर कोई भी इसकी प्लेसमेंट बिगड़ेगी तो नहीं कभी? आपको कितने भी गड्ढे में गाड़ी जाएगा तभी भी कुछ नहीं होगा इसका, ऊपर से एक्स्ट्रा हम टैबलेट मार देंगे। अच्छा, तो काम एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है, कभी जो कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं, वैसा काम यहाँ पे गाइस करके दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो काम होने देते हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको और भी चीज़ें बता दूंगा कि इसमें क्या क्या होने वाली है। बात करूँ अगर रियर सीट की, तो वो निकाल के ले जा चुके हैं हेडरेस के लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वीडियो के अंदर। और आगे वाली सीट्स भी अभी खोली जा रही है भाई, अभी आगे वाली सीट्स भी खोलेंगे यहाँ पे, तो इसकी इनकी भी इंस्टॉलमेंट होगी। सीट कवर जो हमारे रहने वाले वो कस्टम मेड हमारे रहने वाले हैं, तो उसी हिसाब से सीट कवर्स की भी जब इंस्टॉलमेंट हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। और बात करूँ अगर मैं फ्लोर की, तो यहाँ पे हम बेस में बिल्कुल फ्लोरिंग भी करने वाले हैं, आगे से लेके बिल्कुल पीछे तक, इस तरह से इस प्रकार से हम करेंगे। जैसे कि मैं अगर बताऊं, तो जैसे कि यहाँ पे हमें कारपेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप पूरा गंदा हो रहा है, तो इसको हम बिल्कुल पूरा साफ़ करके अच्छे से ये क्लिप्स सारी खुलेंगी और इसके ऊपर से बिल्कुल अटैच किया जाएगा हमारी फ्लोरिंग को। स्पीकर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, तो स्पीकर्स की बिल्कुल परफेक्ट अटैचमेंट यहाँ पे फिटमेंट हो रखी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट्स जो हमारी खुलनी स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे जैसा मैं हम लगाने वाले हैं जेन्युइन आर्मरेस्ट, तो कुछ इस तरह का इसका यहाँ पे हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो राकेश भी यहाँ एक बार हमें अनबॉक्स करके दिखा देंगे कि ये हमारा रहने कैसे वाला है। ये हमारा पूरा कंसोल के साथ हमें मिलता है, तो कुछ इस तरह की इसकी फिटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं गाइस, फुली पैक्ड आता है, बिल्कुल पैक भी बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे खोला जा रहा है। और ये हो गया पीछे वाला पार्ट, है ना, ये पीछे वाला फ्रेम पार्ट हो गया। यहाँ पे एसी ब्लोअर्स आ जाते हैं, और कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें कंसोल देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल फुली पैक्ड रहने वाला है आपके सामने, बिल्कुल यहाँ पे इसे खोला जा रहा है, और खुलने के बाद देख सकते हैं आर्मरेस्ट को निकाला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप, फ्रेम को साइड में रख देते हैं, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें प्रॉपर पूरा आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड इसके लॉक होता है, लॉक से यहाँ पे हमें इससे छोटी सी स्पेस मिल जाती है देखने के लिए। यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरह का लॉक होता है, ऐसे करके ये खुल जाता है, इसको बंद भी करेंगे तो क्लिक साउंड के साथ ये बंद हो जाता है। अभी ये कहीं पे जाने नहीं वाला, और वापस से अगर मैं लॉक से इसको खोलूं ऐसे, तो ये खुल जाता है। तो भैया ये स्लाइडिंग भी होता है ना, एक बार स्लाइड करके दिखा दे इसको। तो भैया देख सकते हो फुली स्लाइडेबल होता है, एडजस्टेबल होता है, तो इसको आप आगे पीछे भी स्लाइड कर सकते हो। तो ये भी एक बार जब कार में एक बार फिट हो जाएगा ना, और सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। ये यहाँ का नहीं है, पीछे का पार्ट आएगा ये।
तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से लॉक वाइज देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरे लॉक्स हैं, तो लॉक वाइज लॉक में ये ऐसे फिट हो जाएगा एसी ब्लोअर के साथ में। तो कुछ इस तरह का ये हमारा सेटअप रहने वाला है। ये जब एक बार कार में इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी प्रॉपर आपको लुक दिखाऊंगा कि कैसा ओवरऑल इसका लुक रहने वाला है। एक बार पीछे चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इस टाइम पे सीट कवर्स की इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि पवन चल यहाँ पे सीट्स की कटिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप प्रॉपर ये बकेट फिटिंग में सीट कवर्स जो हमारे यहाँ रहने वाले हैं। और इसकी तो फिटिंग होती रहेगी, सीट कवर्स भी एक एक करके बन के रेडी होते जाएंगे और इसके ऊपर लगते जाएंगे और फिटिंग होती रहेगी सीट कवर्स की फुल बकेट फिटिंग में। तो ये चीज़ मैं अभी आपको प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हमने क्या करके दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा रियर सीट था इसको मैंने आपको दिखाया था कि पूरा हमारा प्लेन रहने वाला है। इसके अंदर हमने प्रॉपर लॉक वाइज लॉक फिटमेंट करके यहाँ पे ये हेडरेस्ट इंस्टॉल करके दिया है। देख सकते हैं आप फुली एडजस्टेबल रहने वाला है अब तो। और ये बिल्कुल न्यू पीस है, ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस पूरा ये सेकंड भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा तो सेकंड हैंड थोड़ा चीप पड़ता होगा ना? चीप पड़ता है थोड़ा सा, 500 का डिफरेंस होता है, चीप पड़ेगा वो आपको। हाँ जी, तो कुछ इस तरह के यहाँ पे देख सकते हैं आप हमें हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि फुली एडजस्टेबल होता है, जैसे कि हमें टॉप मॉडल में देखने को मिलता है। किसी भी एंगल पे आप इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। और एक बार जब इसके ऊपर सीट कवर्स की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी ना तो इसकी लुक जो आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। तो ये फुली कस्टमाइज रहते हैं ऐसे, इसकी लुक आप देख सकते हैं अगर मैं इंस्टॉलमेंट के पहले की बात करूँ। और इंस्टॉल होने के बाद तो ये बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ आपको ये बात। तो देखते हैं जब ये कार में इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारी ब्रेजा का काम हो चुका है कंप्लीट। बात कर लेता हूँ मैं फ्रंट से, तो फ्रंट से मैं आपको पहले फॉग लैम्प का रिस्पांस दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह की हैलोजन लाइट्स में ये हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर सामने फ्रंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो डे टाइम में हमें कुछ ऐसा रिस्पांस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मिंडा की फॉग लैम्प्स रहने वाली है और रिले वायरिंग भी हमारी मिंडा की रहने वाली है जिससे ये कनेक्टेड है। तो मैं आपको थोड़ा साइड में लेके चलता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये साइड बिडिंग्स। तो कुछ इस तरह की साइड बिडिंग्स आती है हमें ब्रेजा के साथ देखने को मिल जाती है। ये भैया को ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिली थी और साथ में अगर मैं रेन वाइजर्स की भी बात करूँ तो भी भैया को ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिला था, जो कि हमारा जेन्युइन रहने वाला है नेक्सा का, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये हमसे करवाना है तो ये हम भी आपको ये प्रोवाइड करके दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये हमारी विंडो गार्निश रहने वाली है जेन्युइन, ये भी हम आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं अगर आपकी कार में नहीं मिलती आपको। तो हमने क्या क्या काम कराया वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप आईपॉप डोर गार्ड देख सकते हैं, ये हमने इंस्टॉल करके यहाँ पर दिया है। और पीछे की अगर मैं बात करूँ रियर में, मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमें मूविंग कैमरा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, जिसका रिस्पांस मैं आपको कार के अंदर ले जाकर दिखाऊंगा। रियर में आप रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लगाया है रियर बम्पर या फिर बम्पर डिफ्यूज़र, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह का टेक्सचर में हमें देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में भी हमारा गाइस ये सेम रहने वाला है, दिखा देता हूँ आपको एक बार ले चल के। तो कुछ इस तरह का हमें फ्रंट का डिफ्यूज़र देखने को मिल जाता है और ये भी हमारा गाइस जेन्युइन रहने वाला है, सुजुकी का ही। तो गाइस इसके थोड़ा ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे हमने लगाए हैं रूफ रेल्स, आप देख सकते हैं फुल सिल्वर और ब्लैक कलर में हमें देखने को मिल जाते हैं। दोनों साइड हमने कुछ इसी तरह से लगा के दिया है। और जो हमारा जो शार्क फिन एंटीना रहने वाला है ये हमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिला था। रूफ रेल अगर आपको जेन्युइन चाहिए तो ये भी आपको हम जेन्युइन दे सकते हैं प्रोवाइड करके। तो कुछ इस तरह की रूफ रेल हमारी रहने वाली है। फाइनली अब मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रेजा के अंदर, बता दो कि इसके इंटीरियर में हमने क्या क्या यहाँ पे करके दिया है। तो सबसे पहले हमारा वेलकम हो जाता है वेलकम लाइट्स के साथ, ये भैया को प्री इंस्टॉल्ड मिली थी, ये हम आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। ये जेन्युइन हमारा रहने वाला है नेक्सा का। बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लोरिंग से। तो मैट को हटाता हूँ मैं, तो कुछ इस तरह की यहाँ पे हमें डाई वाली फ्लोरिंग देखने को मिल जाती है गाइस, जैसे हम इटालियन फ्लोरिंग कहते हैं। और इसकी फिटमेंट आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अमेजिंग इसकी फिटमेंट रहने वाली है, फुल बकेट स्टाइल में इसकी फिटमेंट रहती है गाइस। आपको साइड में पैनल्स तक दिखा दूँ मैं, पूरा पैनल्स तक में ये हमें पूरा बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे करा हुआ देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप। इसके ऊपर से हमने यहाँ पे लगाए हैं 5D मैट्स जो कि हमारे ब्रेजा के ही प्रॉपर रहने वाले हैं। तो सीट को कर देता हूँ वापस से आगे और अंदर आके दूसरी साइड से आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या करके दिया है। फाइनली डोर्स को बंद कर दिया और आवाज़ अब थोड़ी लग रही है शांति, क्योंकि यहाँ के जो सड़कें हैं ना बहुत यहाँ पे शोर होता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप 5D मैटिंग्स। और नीचे की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं पैनल वाइज पैनल के अंदर तक भी हमें पूरा कवर्ड मिलता है, हमें जो ये हमें फ्लोरिंग जो देखने को मिल जाती है फुल कवर्ड मिलता है पैनल्स के अंदर तक। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारे फ्लोर्स पे काम करके दिया गया है। ये बात तो हो गई हमारी फ्लोरिंग की, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ सीट कवर्स की तरफ। तो कुछ इस तरह के सीट कवर्स यहाँ पे हमने इंस्टॉल करके दिए हैं, जो कि हमारे फुल मर्क लेदर के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। बीच में हमारा डायमंड डिजाइन रहने वाला है, देख सकते हैं आप पूरा टेक्सचर ये हमारा कुछ इस तरह का रहने वाला है और रेड स्टिचिंग के साथ ये हमें देखने को मिल जाती है।
फिटमेंट की अगर बात करूँ तो फुल बकेट फिटिंग में इसकी फिटमेंट करके दी गई है, आप देख सकते हैं। कहीं भी आपको एक भी रिंकल इस सीट कवर्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे मैं आपको दूर से दिखाऊं पास से दिखाऊं, कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा काम रहने वाला है। अगर मैं आपको साइड से भी दिखाऊं तो कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट रहने वाला है पूरा बाहर निकल के आ रहा है अच्छे से, और कुछ इस तरह की हमारी सीटिंग होती है। रियर की अब मैं बात कर लेता हूँ, रियर में तो बहुत ही ज़्यादा कमाल आप देखने वाले हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह की यहाँ पे तो मैं फिटमेंट दिखा देता हूँ पहले, सबसे पहले आपको फुल बकेट फिटिंग में रहने वाली है गाइस। कुछ भी एक भी रिंकल ना कंधे के पास ना सीटिंग में एक भी रिंकल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये हमारे हेडरेस्ट रहने वाले जो मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो कुछ इस तरह के यहाँ पे हेडरेस्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। और ये हमने कस्टम मेड बनाया है, देख सकते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर साइज रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा सीट्स का काम, अब हम बात कर लेते हैं बाकी कामों की। कर लेता हूँ डोर्स को एक बार फिर से क्लोज, और अब बात कर लेता हूँ मैं हमारे फेवरेट स्टेयरिंग की। देख सकते हैं गाइस फुल टॉप मॉडल वाली फील्स आ रही है, कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें टेक्सचर देखने को मिल जाता है। और स्टिचिंग की तो मैं क्या ही बोलूँ, बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं कंट्रोल्स जो कि हमारे एंड्रॉयड से फुली वर्किंग होता है, देख सकते हैं आप, कनेक्टेड है। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन सब कुछ, ये हो गया हमारा म्यूट अनम्यूट सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है। और ये रहने वाला गाइस हमारा डमी पोर्शन, ये कुछ वर्किंग नहीं होता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने लगाया है जेन्युइन आर्मरेस्ट जो कि हमारा ब्रेजा का रहने वाला है, दिखा देता हूँ लॉक एक बार अनलॉक करके इसको। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे हमें डिसेंट सी एक स्पेस देखने को मिल जाती है, और ये हमारा फुली एडजस्टेबल रहने वाला है, और कोई खटखट खटखट आवाज़ भी नहीं करता अगर मैं आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं जहाँ पे रोकोगे वहीं पे जाके अटक जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जैसे गाड़ी चल रही है तो नॉर्मल जो आफ्टर मार्केट वाले होते हैं फड़फड़ाते रहते हैं, आवाज़ आती रहती है कटकट कटकट की, जो वैसी कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हम हमारा आर्मरेस्ट रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड सिस्टम देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारा 4GB रैम 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया है, और इसके साथ हमने एक मूविंग रियर कैमरा भी इंस्टॉल करके दिया है जो कि हमारा HD क्वालिटी में रहने वाला है। इसमें गाइस हमें कारप्ले ऑप्शन देखने को मिल जाता है और एंड्रॉयड ऑटो भी देखने को मिल जाता है, और दोनों ही जो हमारे फीचर्स रहने वाले हैं ना वो हमारे वायरलेस रहने वाले हैं, यानी कि आप बिना वायर के इसके अंदर आप कारप्ले प्ले कर सकते हो और एंड्रॉयड ऑटो भी प्ले कर सकते हो। तो इसका एक बार मैं रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ छोटा सा, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है गाइस, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और बात करो अगर कैमरे की तो बस हमें गियर डालना है रिवर्स में, और कुछ इस तरह की क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी यहाँ पे हमें कैमरे की देखने को मिल जाती है, और सेंसर भी हमारे वर्किंग है सारे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे काम रहने वाला है हमारा इस कार के अंदर। और बाकी अगर मैं अब बात कर लूँ साउंड की, तो साउंड में अगर मैं बात करूँ तो आगे वाले डोर्स में हमने लगाए हैं इन्फिनिटी आल्फा के कॉम्पोनेंट्स, और साथ ही साथ अगर मैं पीछे वाले डोर्स की बात करूँ तो हमने इन्फिनिटी आल्फा के ही कोएक्सियल स्पीकर्स लगा के दिए हैं यहाँ पे। अगर आपको मैं एक बार दिखाऊं तो यहाँ पे हमने पैनासाउंड का बेस ट्यूब इंस्टॉल करके दिया है हमारे साउंड के लिए, तो कुछ इस तरह का रहने वाला है, 10 इंचेस में रहने वाला है, देख सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन हुई है सनी कार एक्सेसरीज करोल बाग में, लोकेशन और कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और अमेजिंग मॉडिफिकेशन वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।